नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं यश पाठक। मध्य प्रदेश में बहनों और बेटियों की सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी कुछ कहने वाले हैं, तो आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं। मुख्यमंत्री जी, सिर्फ हमेशा प्रचार और प्रसार और भ्रष्टाचार में ही रहेंगे क्या? दशहरे को आपने माँ देवी अहिल्या के नाम पर समर्पित करने की बात कही, महिला सशक्तिकरण की बात कही, पर महिलाओं की स्थिति क्या है? जिस तरीके से रोज महिलाओं पर अत्याचार अनाचार हो रहा है और जिस तरीके से हम न्याय की देवी माँ के नाम पे हम समर्पित करना चाहते हैं, अहिल्या माँ अहिल्या न्याय की देवी के रूप में जानी जाती थी और मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं माफिया तंत्र की गिरफ्त में माना जाता है, चाहे शराब माफिया हो, खनन माफिया हो, ड्रग्स माफिया हो, अलग अलग माफिया के तंत्र में इस रावण रूपी इस माफिया तंत्र को खत्म करो तब माँ अहिल्या की बात करो। और जो महिला सशक्तिकरण की बात करी तो आज हालात मध्य प्रदेश में यह है कानून व्यवस्था के कि बेटी बचाओ नारा नहीं लगता, चेतावनी लगती है कि किससे बचाओ। हर जगह पे जिस तरह के लोग बैठे, पुलिस प्रशासन गुलामी करने में लगा हुआ है, सत्ता माफिया तंत्र के बचाव में लगी है। सिर्फ प्रचार और प्रसार से काम नहीं चलेगा, मध्य प्रदेश की जनता को स्वयं कानून व्यवस्था बेहतर दीजिए। और जो रावण रूपी लोग कहीं ना कहीं इस मध्य प्रदेश के अंदर बेटियों को नोच रहे, भ्रष्टाचार कर रहे और जो माफिया तंत्र सरकार चला रहे, इन्हें जड़ मूल से खत्म करिए, तब माँ अहिल्या के नाम को हम समर्पित कर पाएंगे, तब हम बेटियों को सुरक्षित कर पाएंगे। सिर्फ आप प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार ही कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी, जिन्होंने दशहरे पर सीएम मोहन यादव द्वारा एक नए मुहिम को चालू करने, जिसमें माँ अहिल्या की पूजा कर वे शस्त्र की पूजा कर रहे हैं, उसको लेकर टिप्पणी कही। तो अब देखना ये होगा कि कुणाल चौधरी की इस बात पर भाजपा से कोई प्रत्युत्तर करता है या नहीं। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक।